बहुत अच्छी है, पूरा मूवी एक रियली बैठ के मजा आया देखने के लिए। आई लव्ड इट, इट्स एन एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट, एक्सपेरिमेंटल सिनेमा, ऑल आउट फॉर इट। केमिस्ट्री मतलब उतना साथ में तो रोल उतना नहीं है जितना होना चाहिए, बट इट्स गुड, दोनों का अपना अलग अलग रोल है। या दैट मर्जिंग इज वेरी नाइस, द VFX इज वेरी गुड, एंड आई रिमेंबर ड्यूरिंग द ट्रेलर लॉन्च मिस्टर दिनेश विजन हैड सेड that you know the VFX is very good, and that it is, it's a very good VFX. Movie is a purely a digital creation, and I think this is a surprise for us as a Indian movie. I mean, this is the first time we can see, I mean, really good Indian movie with so much of digital technology. Bahut achhi thi, very enjoyable, lot of fun, the humor is just spot on, so yeah. Bahut achhi lagi mujhe, bahut different hai, और ऐसी स्क्रिप्ट लिखना भी थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा उसमें जो कॉमेडी का टच है कहीं कहीं थोड़ा सा निराश भी करता है, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी है, हंसाती भी है, रुलाती भी है, और एक अच्छा पार्ट पढ़ा जाती है। देखिए, इसमें सिनेमेटोग्राफर जो है वो असली हीरो हैं, उन्होंने वो पूरा जंगल इतना अच्छा कैप्चर किया है, और जहाँ तक अमर कौशिक जी का सवाल है तो उन्होंने पहले ही स्त्री में अपने आप को साबित कर दिया था। ये फिल्म एक तरह से देखा जाए तो डायरेक्टर की फिल्म है और उनकी, और दोनों ने एक्टिंग भी, दोनों ने नहीं पूरी यूनिट ने जितने लोगों से उन्होंने काम करवाया सब के सब बहुत अच्छे थे। इवन जो उसकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की सीन है द वेरी गुड, आई मस्ट से स्पेशल इफेक्ट्स आर फैंटास्टिक इन भेड़िया, सो कुडोज टू द टीम फॉर डूइंग समथिंग लाइक दिस, एंड अभिषेक बैनर्जी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड। फिल्म बहुत बढ़िया है, और भेड़िया में जो वरुण धवन ने जो काम किया है सबसे अलग किया हुआ है, बहुत दिनों के बाद एक जंगल जैसी एक मूवी देखने को मिली है। इसमें जो बताया गया है जो फिल्म में, एक जंगल और एक जानवर उसका क्या रिश्ता रहता है ये फिल्म में दिखाया हुआ है। इसमें देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे सीन हैं कि उसमें कुछ बोल ही नहीं सकता कि कौन सा सीन अच्छा है, कौन सा सीन मतलब उससे भी ज़्यादा है, वो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि जो जो डायरेक्शन किया हुआ है वो सबसे बड़ा किया हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, मैं अभी अभी देख कर आई हूँ, मैं अभी थोड़ी मिक्स्ड उसमें हूँ, क्योंकि मैं अभी किसी और को भी बोल रही थी कि बीच में ना मुझे बिल्कुल भी एंटरटेनिंग नहीं लग रही थी फिल्म। देर आर टाइम्स जब फिल्म बहुत यू नो छूट रही है, ऐसा लगता है आपको कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, स्टक लग रही है कहानी, बट जो लास्ट के 30 मिनट्स है ना वो बहुत ही, जहाँ बेसिकली क्लाइमैक्स शुरू होता है, वो इतने एडवेंचरस हैं, वो इतने फास्ट हैं, और वो इतने इंगेजिंग लगे कि वो 30 मिनट्स ने ना मुझे लगता है फिल्म को सेव किया है, एटलीस्ट मेरे लिए, तो मैं फिर भी एक मिक्स्ड उसमें हूँ। केमिस्ट्री तो अच्छी लगी, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज द स्टोरी लाइन एक्चुअली, जो लीक से थोड़ी सी हटके है। फर्स्ट टाइम आई थिंक बहुत टाइम बाद स्टोरी में थोड़ा कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है, अदरवाइज सब वही ट्रेडिशनल वैसे ही चल रहा था। फिल्म वॉज एक्सलेंट, अ गुड क्रीचर कॉमेडी, दो इट वॉज बेस्ड ऑन हॉलीवुड फिल्म लाइक अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंडन और कैट पीपल और क्लोजर होम जुनून बाय महेश भट्ट, was similar to that but very well directed by Amar Kaushik. He has brought in his own elements in the film. Film bahut achhi lagi, something different, something unique. Halanki chemistry is film mein puri tarah saaf sutra film banayi gayi hai, kisi bhi tarah ka koi vulgar jo hota hai na other filmon mein us tarah nahi hai, to chemistry bahut us tarah nahi dikhayi gayi hai, lekin jitna bhi dikhayi gayi hai bahut acha dikhayi gayi hai, maza aa raha hai. Overall PDA ek excellent horror creature comedy hai, and comedy bhi hai और एंटरटेनमेंट भी है, और बाकी जो एक अच्छी फिल्म में होना चाहिए वो सब एलिमेंट्स उसमें। फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा स्लो मुझे लग रहा था ऐसा पर्सनली, बाकी लोगों को तो बहुत अच्छी लगी फर्स्ट हाफ में भी, बाकी सेकंड हाफ में मुझे मज़ा आ गया। फिल्म की कहानी जैसा है कि एक नेचर और आदमी, मतलब नेचर और नेचर को जोड़ने की कोशिश की गई है, तो फिल्म की कहानी अच्छी, ओवरऑल एवरेज कहानी एवरेज है, लेकिन इसको बनाया बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, और जिस तरह मतलब इच्छाधारी नागिन के बाद इच्छाधारी भेड़िया आ रहा है तो मज़ा आ रहा है, और उसके बाद अभिषेक बनर्जी जो पंचलाइन करते हैं पूरी फिल्म में, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पंचलाइन उनको दिया गया है, और बहुत मज़ा आ रहा है उनके पंचलाइन में। अच्छी, वरुण ने भी अच्छी एक्टिंग की है और अच्छा लगा, मतलब आप वरुण और कीर्ति की केमिस्ट्री से ऊपर उठिए, द राइटिंग ऑफ द फिल्म इज वेरी स्ट्रॉन्ग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभिषेक एंड दीपक, they're the real actors and the bhediya. Abhishek,
He was amazing. Varun is really a big surprise for the movie. I mean, he's come out of the commercial tag. I think the performances were great, and I also really loved Deepak Dobreyal. और सेकेंड थिंग जो प्रीति सेन ने दिखाया जो एक्ट किया हुआ है उसका तो कोई जवाब भी नहीं क्योंकि वो जो क्या है वो आप देखने के बाद मालूम पड़ेगा। नेचुरली वरुण धवन ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत सारे मैंने कहा ना हर एक्टर अपने रोल में परफेक्ट रहा है। ये ना एक ऐसी फिल्म है जहाँ आप बहुत ज़्यादा ग्रेट एक्टिंग की ज़रूरत नहीं है बट कहानी के साथ आपको कन्विंस करना है बस ऑडियंस को, तो आई थिंक वरुण वो करते हैं, यू नो, एज अ इच्छाधारी भेड़िया वो बहुत बहुत मज़ेदार तरीके से करते हैं। उनकी जब वो दुखी होते हैं तो आप दुखी होते हैं उनके साथ, और ये वरुण धवन की खासियत है। मुझे लगता है कि अगर कहीं कहीं उनकी लिमिटेशन है भी एज एन एक्टर बट वो कनेक्ट कर जाते हैं ऑडियंस के साथ क्योंकि वो बहुत ही मेक्स यू फील कि आप उनके जैसे हो या वो आपके जैसे हैं, तो और उनमें बहुत लाइकेबिलिटी है, बहुत ही लाइकेबल है वरुण ऑन स्क्रीन। आई थिंक अभिषेक और आई थिंक जितने भी जूनियर आर्टिस्ट हैं सब दे हैव डन माइंड ब्लोइंग जॉब, बहुत अच्छा किया लोगों ने। वरुण का जो एक्ट है जो बहुत दिनों के बाद वरुण मतलब ये एक्ट में दिखने को मिल रहा है बहुत अच्छा है और ऐसा लग रहा है उन्होंने कुछ एडवांस काम किया हुआ है। यार वरुण और कृति इतने प्लीजिंग एक्टर्स हैं स्क्रीन पे कि मुझे बहुत दुख है कि उन दोनों की केमिस्ट्री को एक्सप्लोर नहीं किया है। इनफैक्ट मुझे ये बहुत बुरा भी लगा कि कृति सानन बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा लग रही थी ट्रेलर से प्रमोशंस में कि वो फिल्म की लीड स्टार हैं अलॉन्ग विद वरुण, बट उनकी स्क्रीन टाइम इतना कम है कि मुझे लग रहा था कि मतलब कृति सानन क्यों है इस फिल्म में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज आई फील शी हैज़ इम्प्रूव्ड सो मच एज एन एक्टर, उनका इतना प्लेजेंट स्क्रीन प्रेजेंस है, तो वाई वॉज शी नॉट गिवन यू नो दैट काइंड ऑफ स्क्रीन टाइम। सो वो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई। सो केमिस्ट्री एक्सप्लोर करने की तो बात ही नहीं आई जब उनके सीन्स ही इतने कम हैं। लेकिन मैं अभिषेक बनर्जी मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि पंच लाइन कॉमेडी मुझे मजा, क्योंकि फिल्म को एक कॉमेडी दिशा दिया गया है। बाकी तो वरुण धवन अच्छा काम किए हैं और कृति भी अच्छा काम किए। वरुण इज़ गुड द स्टोरी लाइन बट द मैसेज जो कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं इस फिल्म में दैट इज़ यूनिक एक्चुअली, एस्पेशली द परफॉर्मेंस इज ड्रॉन आउट फ्रॉम द मेन कास्ट लाइक वरुण एंड कृति एंड दीपक डोबरियाल एंड अभिषेक बैनर्जी। इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म। भेड़िया तो शानदार गेटअप किया गया है और शानदार एकदम पूरा 3D में जब निकल के सामने आ रहा है तो लग रहा है वो, मतलब मैं पहले से रेडी बैठा हुआ था कि कुछ आएगा तो डरूंगा नहीं, तो डरा नहीं लेकिन मज़ा आ रहा है 3D देखने में। I'll get 3.5. 3.5. 3.5. 4. मैं इसको 3.5 दूंगा। वो 5 में से 4. 3.5 स्टार एटलीस्ट। 3. मैं 4 दूंगा। 3.5.